Thế còn mấy cái bộ săn này? पक्की साल कना हन साल केतरी महंगाई भी थी या वो पक्की साल कना वो रेट तो कहीं को आयो वधा रची है पक्की साल जो डीजल 150 रुपए लीटर हो हेर कितने 250 रुपए के बोले है रछे जी पट्टी है पक्की साल 1200 1300 फिर 1600 रुपए इतना फर्क थी है मछली रेट मथे रतो होली रछी नो वाला वो नहीं नो वाला अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज 11 सितंबर 2022 बरोज़ इतवार, ये कक्का विलेज की जेटी की पॉइंट है। अवेयर जेटी पे कल भी मैं आया था, लेकिन कल के दिन माल काफ़ी कम था और खातिर ख्वाह शिकार नहीं लगा था माहीगिरों के, लेकिन आज के दिन कुछ शिकार की क्वांटिटी बेहतर थी। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो लाटों की सूरत में माल परचेज़ किया जाता है, जो व्यापारी वगैरह परचेज़ करते हैं या इसके अलावा जो लोकल परचेज़र हैं उनको भी यह परचेजिंग का मौका मिलता है। लेकिन जो छोटे साइज़ की जो मछलियाँ होती हैं जो इस तरह की, तो वो एक अच्छी कीमत में मिल जाती हैं, लेकिन जो ज़िंदा कंडीशन का माल होता है और टॉप ग्रेड की मछलियाँ होती हैं और इस तरह का जो माल है वो ज़्यादातर इनसे कंपनीज़ जो एक्सपोर्ट वाले जो इनसे परचेज़ करते हैं तो उनकी कीमतें काफ़ी ऊपर रहती हैं एक्सपोर्ट होने की वजह से और टॉप ग्रेड होने की वजह से। इसके अलावा कुछ जो थोड़ी डाउन ग्रेड की मछलियाँ होती हैं उनकी कीमत अच्छी खासी में मिल जाती हैं, या छोटे साइज़ की जो मछलियाँ होती हैं वो भी काफ़ी कम कीमत में दस्तियाब हो जाती हैं। लेकिन अगर टॉप ग्रेड की मछलियाँ हों और बिल्कुल ए प्लस ग्रेड का माल हो तो वो फिर काफ़ी महंगे दामों जेटीज पे अगर लोकल परचेजर परचेज़ करना चाहे तो उसको देते हैं, या इसके अलावा एक्सपोर्टर को फ़रोख कर देते हैं, वो फिर ज़िंदा माल जो होता है वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट हो जाता है काफ़ी महंगे दामों। इसी तरह लॉबस्टर वगैरह है, वो जो मीडियम साइज़ के जो लॉबस्टर हैं वो 3000 से 3500 रुपये फ़ी किलो तक यहाँ पे फ़रोख्त होते हैं, जो व्यापारी इनसे परचेज़ करते हैं। उसके बाद मिडिल मैन से होते होते वो फिशरी में तो कुछ और मज़ीद रेट बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो अगर बड़े साइज़ के होते हैं तो वो फिर 4500 से 4800 के करीब तक के, लेकिन ज़िंदा हालत में अगर वो मर जाते हैं तो फिर कीमत इनकी आधी हो जाती है। इसी तरह कुछ ये पिटन फिश है जो 60 से 70 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होती है, या मीडियम साइज़ की जो छोटी मोटी मछलियाँ हैं वो भी 300 से 250 के करीब नस्ल के हिसाब से और साइज़ के हिसाब से यहाँ पे फ़रोख्त होती हैं। इसका जो आने का बेस्ट टाइम है वो सुबह 8 बजे से लेके 10-10:30 बजे तक कश्तियाँ काफ़ी क्वांटिटी में आ जाती हैं। और इसके अलावा जो शाम का टाइम है तो वो 4:30-5 बजे से मगरिब तक भी 2-4 कश्तियाँ मज़ीद जो रुकी हुई होती हैं तो वो भी वापस आती हैं, लेकिन इसका जो बेस्ट टाइम है वो सुबह 8 से 10 बजे के करीब तक की है। लोकेशन इसकी या माड़ीपुर से सैंडस्पीड की तरफ आते हुए हॉक्सबे की तरफ जो सड़क मुड़ती है तो उसके साथ ही ये कक्का विलेज की लोकेशन मौजूद है।